कैसे किया भाई ये x माइनस फोर अपॉन वन वाई माइनस टू अपॉन वन इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं हम और ठीक है, तो x इसके जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे कितना आ जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी r प्लस फोर, y की वैल्यू आ जाएगी r प्लस टू, z की वैल्यू आ जाएगी 2r+k। अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करते हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसमें वैल्यूज रख देंगे, वैल्यू रखने पे क्या आ जाएगा, k की वैल्यू आ के जाएगी, r की वैल्यू वैल्यू, r की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 7, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, नहीं के की आई हाँ, तो जब इन एक्स वाई जेड को इसमें रखेंगे तो के की वैल्यू निकालनी है ना, तो हाँ के की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 7, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा बिल्कुल ऐसा ही है ना, पॉइंट बस ऑन द लाइन हैज ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बताओ कौन कौन से कोऑर्डिनेट है, इसका बी 255, सिंपल, अगर इसको हम 1 के बराबर रख दें है ना तो बस एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, देखो ये रख के देखना पड़ेगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1+1, वाई की वैल्यू 2+3, जेड की वैल्यू 7-2, दैट इज 255, इसमें चेक करके देखना पड़ेगा कौन सी इक्वेशन से इसको, कौन सी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, बस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट्स एक्स वाई -3 एंड 20-1 एंड सी लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, तीनों पॉइंट हैं एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं तो कैसे निकालेंगे भाई, एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो इसका इसका और इसका जब हम वो निकालेंगे क्या डायरेक्शन कोसाइंस है ना, अगर देखो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करेंगे ए बी और सी, ठीक है, तो ए मान लेते हैं एक्स वाई -3 है, बी मान लेते हैं 20-1 है और सी मान लेते हैं 4-2-3, तीनों अगर एक ही पॉइंट में एक ही लाइन में लाई करते हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस सबके सेम होंगे, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशोस क्या हो जाएंगे भाई, ए बी के 2-x है ना -y और -1+3, तो ये हो जाएंगे 2, तो इसके ए बी के डायरेक्शन को डायरेक्शन रेशोस ये हो जाएंगे, बी सी के डायरेक्शन रेशोस 2, 2, 4, 4, ठीक है, 2, 2 और 4, ओके, अब ये सेम होने चाहिए डायरेक्शन रेशोस, इसका जो रेशियो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है भाई, तो इसको किससे डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 1, 1, 2 हो जाएगा, तीसरा तो देखो सेम है, इनको भी बराबर रख देंगे, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 2-x को हम 1 के बराबर रखेंगे और -y को भी 1 के बराबर रखेंगे, तो 2-x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी -1, तो बस एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -1, तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, सिंपल सिंपल इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 1, 1, मेक्स एन एंगल 60° विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल मेड बाय इट विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस, देखो एक आपने पढ़ा होगा कि इसके तीन डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, कौन कौन से, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा है ना, बस अल्फा क्या होता है एक्स एक्सिस से बना हुआ, अल्फा इज द एंगल विच इट मेक्स विद एक्स एक्सिस, ठीक है, तो बस यहाँ पे जो दे रखा है उसने जेड एक्सिस से बना हुआ एंगल कितना है 60° है, तो इसका जो गामा है वो दे रखा है उसने 60°, क्लियर है, बस विद द पॉजिटिव एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल मेड बाय इट विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से बना हुआ एंगल का कोसाइन मतलब कोस बीटा एंड द एक्स एक्सिस और मतलब कोस अल्फा, इनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है √3:1, ठीक है भाई, बस
अब अगर इसके डायरेक्शन को साइन एल एम एन हो तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम की एन की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, एन इज इक्वल टू कोस गामा, यानी कि कोस 60, कोस 60 कितना होता है भाई, 1/2 होता है, ठीक है। और कोस बीटा इज एम अपॉन एल, तो ये है √3/1, ठीक है भाई। अब इसको हम मान लेते हैं के बराबर, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम की वैल्यू आ जाएगी √3 √3 के, और एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के आ जाएगी, ठीक है। तो हमें पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, सबकी वैल्यूज रख दो, तो जब इन सब वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1, यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी भाई प्लस माइनस √3/4, समझ आई बात। हाँ तो L1 क्या आ जाएगा, √3/4 आ जाएगा, M1 आ जाएगा 3/4, और N1 आ जाएगा 1/2, जब हम K की वैल्यू प्लस √3/4 लिख रहे हैं, ठीक है। L2 जब K की वैल्यू -√3/4 लेंगे तो ये वैल्यू ये आ जाएगी, L2 -3/4, M2 -3/4, और N2 आ जाएगा आपका 1/2, समझ आई बात। हाँ अब वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू पॉसिबल पोजीशंस ऑफ द लाइन, तो दो पॉसिबल पोजीशन कौन सी आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई, है ना। एक एक ये आ गई जिसके डायरेक्शन कोसाइंस इतने हैं, और एक ये आ गई जिसके डायरेक्शन कोसाइंस इतने हैं, तो दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं भाई, कोस थीटा इज इक्वल टू कॉस्ट L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मोड, ठीक है। जब इसको रखेंगे दोनों को तो ये आ जाएगा 1/2, और 1/2 मतलब cos 60 है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी भाई 60 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, बी ऑप्शन, बी इज द 60 डिग्री, ठीक है भाई। कर लिया था ये क्वेश्चन, नहीं, पूरा नहीं हुआ, मतलब ओके ऑलमोस्ट। okay. ओके ओके, तो ये क्वेश्चन है, फिफ्थ पॉइंट ऑन ए लाइन हैज कोऑर्डिनेट्स P+1 P-3 √P, वेयर P इज एनी रियल नंबर, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, डायरेक्शन कोसाइंस बताओ भाई क्या है। कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उसने P+1 P-3 और √2P, ये कोऑर्डिनेट किसी लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं, किया क्वेश्चन ये। हाँ इसका जो उसका नहीं होना चाहिए। देखो, चलो उसको मैं बता देता हूँ कैसे करना है। किसी भी स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन लिख लेंगे, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मान लो X1 Y1 और Z1 किसी स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो और उसके डायरेक्शन रेशियोज अगर ए बी सी हैं, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, X-X1 Y-Y1 अपॉन बी Z-Z1 अपॉन सी, और इसको अगर हमने आर मान लिया तो इसके क्या पॉइंट हो जाएंगे, ए आर प्लस X1 बी आर प्लस Y1 और सी आर प्लस Z1, ठीक है। इन पॉइंट्स को ये सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन, ठीक है भाई। ओके, अब हमारी इक्वेशन क्या कह रही है कि ए आर प्लस X1 कितना है, P+1 है, और बी आर प्लस Y1 कितना है, P-3 है, और सी आर प्लस Z1 कितना है, √2P है, यही दिया है ना। ओके, अब आप ये चीज देखो कि हमारा जो ये यहां से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्चुअली एबीसी की वैल्यू निकालनी है ना, तो अब हम तीनों का स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ का, तो क्या मिलेगा हमें, इसको इधर ले जाओ, एक्चुअली X1 को उधर ले जाओ, ठीक है। तो ए आर इज इक्वल टू हो जाएगा P+1 - X1, बी आर को लिख देंगे हम P-3 - Y1, सी आर को लिख देंगे हम
रूट टू पी माइनस जेड, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर बी आर स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इसको जब लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई, इन तीनों का स्क्वायर को भी ऐड करेंगे, है ना, पी हाँ प्लस वन माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस पी माइनस थ्री माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस रूट टू पी माइनस जेड वन का स्क्वायर। यहाँ से कुछ निकाल सकते हैं क्या एबीसी की वैल्यू? नहीं, तो इनसफिशियंट डाटा आ जाएगा। ठीक है भाई, और कोई तरीका नहीं है इसकी वैल्यू निकालने का, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन हमने अभी स्टडी किए, ये 2019 में सेकंड पेपर में पूछे गए थे, और जो अभी स्टडी करने वाले हैं ये 2019 के फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन हैं सर। ठीक है, पांच क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 के सेकंड पेपर में। तो ये क्वेश्चन है, द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस। बहुत सिंपल है भाई, सेंट्रोइड बताना, तीनों हाँ को ऐड करके तीन से डिवाइड करना है, तो 2 प्लस 5 7 और 2 9 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। देखो -3 वाला तो कैंसिल हो गया भाई, है ना, अब या तो हाँ ये ऑप्शन है ये ऑप्शन है, -3 -3 और -3, तो -3 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ओके। यस तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का रेडियस निकालना है, क्या होता है भाई स्फीयर का रेडियस? देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लो पहले। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है कर्व का, थ्री डायमेंशन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, टू यू एक्स टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। तो अब इसमें टू यू की जगह क्या लिखा हुआ भाई, -6 लिखा हुआ है, तो यू की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई, है ना, वी की वैल्यू आ गई 4 और डब्ल्यू की वैल्यू आ गई -5, डी की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है भाई, तो रेडियस क्या होती है, रेडियस कैसे निकालते हैं, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डी सॉरी डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी का अंडर रूट। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारा 7 मिनट्स, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन कौन सा होगा, और जो इस पॉइंट से भी पास होता है। तो इंटरसेक्शन प्लेन का कैसे निकालते हैं भाई, आर वन प्लस लैम्डा आर टू इज इक्वल टू जीरो, ये होगा इंटरसेक्शन। ठीक यस है, ये अगर आर वन प्लेन है और ये आर टू प्लेन है, तो लैम्डा एक कोफिशियंट है, लैम्डा एक अननोन कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, किससे फाइंड करेंगे, इससे 3 2 1 इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो वहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे 1/3, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा कौन सा भाई, ए ऑप्शन, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 9, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई, सिंपल फॉर्मूला है ना, हाँ क्या है सिंपल फॉर्मूला है, कि डी वन माइनस डी टू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, तो ये हो जाएगा 21 - 9 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ देखो, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4x - 2y + 4z + 21/2 इज इक्वल टू जीरो, तो ये यहाँ पे लिख देंगे 21/2। समझ आई बात? क्योंकि तो दोनों प्लेन पैरेलल है, तो इनका जो कोफिशियंट होना चाहिए एबीसी वो सेम होना चाहिए, तो 21/2 का मोड, तो इससे सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 1/4। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ जेड एक्सिस, जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है भाई, क्या होता है, हाँ 0 0 1 0 0 1, हाँ 0 0 1, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये 2018 के सेकंड पेपर में पूछे गए। देखो पांच क्वेश्चन आए हैं फर्स्ट पेपर में, पांच क्वेश्चन आए सेकंड पेपर में, मतलब पांच क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। और बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो 1 से 2 मिनट के अंदर हो सकते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, इस प्लेन से इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको इसमें रख दो तो 3 × 2 − 6 × 3 + 4 × 2 + 11 / 3² 6² 2² का अंडर रूट, यही होता है ना भाई फॉर्मूला, अच्छा और इसका सारे का मोड, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 यूनिट, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ओ पी क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली। देखो ओ पी क्यू एक है हमारे पास, ठीक है, एल एम एन एंड के ओ आर ओ पी ओ क्यू एंड क्यू आर रेस्पेक्टिवली सच दैट एल एम एन के इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है भाई ये एक, ठीक है। एल एम एन के इज ए पैरेललोग्राम, एल एम एन के एक पैरेललोग्राम बना लो, एक पैरेललोग्राम हो गया एल एम एन के। किया ये क्वेश्चन, हाँ लिया, ठीक है। एल एम एन के इज ए पैरेललोग्राम हुज टू एडजेसेंट साइड एल के एंड एल एम आर ईच ऑफ लेंथ अंडर रूट टू। एल के एंड एल एम भाई सारी की सारी साइड उसकी √2 है, तो ये भी √2 है, ये भी √2 है, ये भी √2 है, और ये भी √2 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ओ पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली 0 0, एक और भी पॉइंट है कहीं पे ओ, ठीक है, ओ पी क्यू एंड आर। अब हम इसको बना लेते हैं, एक पैरेललोग्राम और बनाएंगे, ठीक इसके मिड पॉइंट से एक पैरेललोग्राम बनाया जा सकता है, ठीक है भाई। तो देखने में अजीब सा लग रहा है, इससे पैरेललोग्राम, इसके मिड पॉइंट, देखो ये मिड पॉइंट है इसका, तो इट इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। ये ओ दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट पी दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्यू दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट आर दे रखे हैं, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0 0 0, इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4 6 और 2 m, ठीक है। इसके क्यू के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 0 3 n, 2 0 3 n, आर के कोऑर्डिनेट है 2 4 6, 2 4 6, ठीक है। हाँ अब हमें फाइंड क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ओ पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली इतने हैं एल एम एन के, सो दैट पैरेललोग्राम हुज टू एडजेसेंट साइड आर ईच ऑफ लेंथ अंडर रूट टू, ठीक है भाई। कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं, कोऑर्डिनेट बताने हैं तो एल एम एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। एम और एन की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। तो अब देखो मिड पॉइंट से निकाल लेंगे, ये जो एम है, एम जो है मिड पॉइंट होगा किसका, ओपी का, एन मिड पॉइंट होगा पी क्यू का, और ये के मिड पॉइंट होगा क्यू आर का, और एल मिड पॉइंट होगा आर और ओ का, ठीक है। तो एम के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई, 0 + 4/2 और 0 + 6/2, 0 + 2m/2, तो इसके कोऑर्डिनेट में लिख दूं, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 3 और m, ठीक है भाई। इसी तरह से हम n के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, m के आगे, ठीक है। n के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे,
एन के हो जाएंगे भाई 2 + 4/2 यानी कि 3 3, और 1/2 3n + 2m। क्लियर? इसी तरह से के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 2 2 और 3 + 3n/2। ठीक है, इस तरह से एल के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, इसके आ जाएंगे 1 और 2 और 3। समझ गए बात? अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि एल एम की वैल्यू कितनी है, √2 है ना। तो एल एम की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 - 1 का स्क्वायर, 3 - 2 का स्क्वायर और m - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आ गई भाई 3। ठीक है, इसी तरह से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। n की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, अगर बिल्कुल हम l के निकाल लेंगे, ठीक है, l के निकालेंगे तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1। तो ये पूछ रहा है वो, m और n की वैल्यू क्या होगी, 3 1। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द लाइन गिवन बाय, ओके भाई ये बताओ, ये लाइन जो है ए बी सी डी किससे पास होगी। देखो अच्छा उससे पास होगी जिसके इसके कोऑर्डिनेट उसमें सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे इसको हम, इसको हम के बराबर मान लेंगे या लैम्डा के बराबर मान लेंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 2 लैम्डा + 1। वाई की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा + 2। जेड की वैल्यू आ जाएगी 4 लैम्डा + 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू को किसमें रखेंगे, इन इक्वेशन से चेक करेंगे। ठीक है भाई, एक्स वाई जेड की वैल्यू को इन इक्वेशंस में चेक करेंगे, किस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, यस कौन सी इक्वेशन, डी में सेटिस्फाई हो रहा है, चेक करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, यस ओके, किया था क्वेश्चन ये। यस चलो नेक्स्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एंगल बिटवीन द प्लेन्स एंड प्लेन्स इज 5/3 एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स एंड प्लेन्स इज 10/9। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एंगल कैसे निकालते हैं भाई, कोस थीटा की वैल्यू, a1a2 अपॉन a2 square b2 square c2 square। ठीक है, ये है एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। तो यहां से जब वैल्यू रखेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी भाई 5/3। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स अभी अभी बताया था मैंने, है ना। तो सबसे पहले इनके कोफिशियंट को बराबर बनाते हैं। तो ये 2xyz 2z है, तो यहाँ इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 2x - y + 2z + 2/3 = 0। डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगी, 4 - 2/3 का, ये हो जाएगा 2 square + 1 square + 2 square। ठीक है भाई, कितना आ गया आंसर, 10/9 आ जाएगा ना। तो ये सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन सही है तुम्हारा, सी स्टेटमेंट इज द करेक्ट। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये पूछा गया 2018 के फर्स्ट पेपर में, अभी तक जो डिस्कस कर रहे थे वो सेकंड पेपर वाले थे। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली, एबीसी के कोऑर्डिनेट दे रखे, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डी व्हिच इज द
फूट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन बी सी। देखो थोड़ा फिगर कर किया क्वेश्चन ये। ओके तो बी सी हमने बी सी यहां पे लिख लिया है, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट क्या है 184, सी के कोऑर्डिनेट 184, सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उसने, सॉरी सॉरी यार गलती हो गई, बी के कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, बी के कोऑर्डिनेट है 0-11, 4, 0-11 और 4, सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2-3 और 1, ठीक है। अब इस पे परपेंडिकुलर डालना है हमें, तो यहां से मान लो कोई परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, ये 90 डिग्री एंगल है, डी कोई पॉइंट है, परपेंडिकुलर किससे डालना है, ए से डालना है, ए के पॉइंट दे रखे हैं 184, तो ये डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है भाई। कैसे फाइंड करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशोस और इस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशोस 90 डिग्री पे होंगे एक दूसरे से, है ना। 90 डिग्री के लिए क्या कंडीशन होती है, सबसे पहले हम बीसी का इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। बीसी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं हम, इस पॉइंट को मान लेते हैं डी को एक्स वाई जेड, डी हमें फाइंड करना है, तो बीसी का इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, दो पॉइंट से होने वाली लाइन का इक्वेशन x माइनस जीरो अपॉन 2-0 इज इक्वल टू y प्लस 11 अपॉन -3-11, यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक है भाई। z-4 अपॉन 1-4, यानी कि -3 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रही बात, तो इक्वेशन बन गई आपकी x by 2 is equal to y plus 11 upon 8 is equal to z minus 4 upon minus 3, क्लियर है, is equal to मान लेते हैं हम lambda, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 lambda, y की वैल्यू आ जाएगी 8 lambda minus 11, z की वैल्यू आ जाएगी minus 3 lambda और plus 4, समझ गए बात। अब ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, अब हम डायरेक्शन रेशो निकाल लेंगे एडी का, ठीक है। तो एडी के डायरेक्शन रेशो क्या होंगे भाई, 2 lambda-1, इसके डायरेक्शन रेशोस क्या हो जाएंगे, डी आर ऑफ एडी ये हो जाएंगे 2 lambda-1, है ना, 8 lambda-19 और -3 lambda, समझ आई बात। तो ये इसके डायरेक्शन रेशो हो जाएंगे। अब क्या होता है कि अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो डायरेक्शन रेशो उसका जो मल्टीप्लाई है वो 0 के बराबर आता है, तो ये इसका मल्टीप्लाई अगर हम इसके साथ करेंगे 2 8-3 के साथ तो वो आएगा 0, है ना। BC इज परपेंडिकुलर टू AD, सो 2 lambda-1 इंटू करेंगे 2 का प्लस 8 lambda-19 इंटू करेंगे हम 8 का प्लस -3 lambda और -3 करेंगे तो वो आएगा 0, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी भाई, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, क्लियर है। अब कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे डी के, इसमें रख दो वैल्यू लैम्डा की, तो डी के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे 4 5-2, 4 5-2 कौन सा ऑप्शन सही है भाई, सी ऑप्शन, ठीक है। बहुत बार आते हैं क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16
व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, तीन पॉइंट से पास होने वाला प्लेन का इक्वेशन। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, ठीक है, वाई माइनस वाई वन। पता है कि नहीं पता है फॉर्मूला? डिटरमिनेंट निकाल हाँ, वाई थ्री माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, जेड टू माइनस जेड वन, जेड थ्री माइनस जेड वन। इसका डिटरमिनेंट जो होगा वो आ जाएगा जीरो। ये कंडीशन है थ्री पॉइंट्स की कोप्लानर होने की, है ना। तो तीनों क्योंकि एक प्लेन में लाई करते हैं, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी टू एक्स माइनस वाई माइनस टू जेड इज इक्वल टू टू। कौन सा ऑप्शन है भाई? ठीक है, ए ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17, स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस आर थ्रू द ओरिजिन इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन एबीसी, व्हाट इज द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। नहीं नहीं किया। नहीं ए स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस आर थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है वो, ठीक है भाई, और एबीसी में इंटरसेक्ट कर रहा है। एक स्फीयर है, व्हाट इज द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई बताओ। नहीं एबीसी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ए का हो जाएगा ए जीरो जीरो, अगर ये डिस्टेंस ए है तो, ये अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बी के कोऑर्डिनेट जीरो जीरो बी, ठीक है, और ये अगर जेड एक्सिस है तुम्हारा तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जीरो, सॉरी जीरो बी जीरो आएंगे, ठीक है, हाँ इसके हो जाएंगे सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जीरो जीरो सी। तो ए बी सी का व्हाट इज द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इक्वेशन भाई स्फेयर का इक्वेशन क्या होगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड, है ना, इज इक्वल टू जीरो। जीरो ठीक है, रेडियस किसके बराबर आ जाएगी यहाँ पे? देखो ए बाई टू आ जाएगा, कंपेयर करेंगे तो हाँ रेडियस हो जाएगी ए स्क्वायर बाई फोर बी स्क्वायर बाई फोर सी स्क्वायर बाई फोर का अंडर रूट। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, इसका मतलब टू, इसको फोर को उधर कर लो तो फोर आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं। क्लियर है भाई? हाँ अब सेंट्रोइड मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेंट्रोइड हम मान लेते हैं अल्फा बीटा और गामा, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी भाई? ए बाई थ्री बी बाई थ्री सी बाई थ्री, यही होंगे सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? थ्री अल्फा, बी की वैल्यू थ्री बीटा, सी की वैल्यू थ्री गामा। समझ गए बात? हाँ अब यहाँ पहले इक्वेशन से क्या कह रहा है वो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि नाइन अल्फा स्क्वायर नाइन बीटा स्क्वायर नाइन गामा स्क्वायर इज इक्वल टू फोर आर स्क्वायर, यही कह रहा है, ठीक है भाई। नाइन कॉमन ले लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू फोर आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, अब अल्फा बीटा गामा को एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर देंगे लोकस के लिए, तो लोकस आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू फोर आर स्क्वायर। कौन सा है भाई? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया? हाँ सो सो लोकस नहीं पता ओके, लोकस मतलब क्या है कि उस पॉइंट से पास होने वाला जो पहला
कॉनिक सेक्शन है उसका वैल्यू, उसकी वैल्यू बताना, ठीक है। इट मे ठीक बी प्लेन, इट मे बी क्या कहते हैं, सर्किल हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, क्लियर हाँ है। ओके 18 क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस पी क्यू आर ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर आर। देखो किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उसने, पी क्यू और आर। पी की वैल्यू दे रखी है भाई 1 -1 1, क्यू की वैल्यू दे रखी है 3 -2 2, आर की वैल्यू दे रखी है 0 2 6, ठीक है। अभी ये कह रहा है कि एंगल आर क्यू पी थीटा दे रखा है, आर क्यू पी थीटा, ये एंगल है थीटा, देन व्हाट इज पी आर क्यू, पी आर क्यू निकालना है, तो इसको मान लेते हैं हम 5। कैसे निकालोगे भाई एंगल, देखो ये डायरेक्शन कोसाइंस तो पता है ना इनके, हाँ डायरेक्शन कोस डायरेक्शन रेशियोस पता चल जाएंगे तो दोनों के बीच का एंगल भी आ जाएगा, क्यों भाई। हाँ तो पी क्यू, और जब हम चेक करेंगे तो पी क्यू और पी आर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाएंगे, पी क्यू और पी आर, इसका मतलब एंगल पी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है भाई। तो जब एंगल क्यू पी आर 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये एंगल थीटा दे रखा है इसमें, तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, 90 -3 90 -थीटा हो जाएगा, है ना, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज 90 -थीटा इज अवर ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये है 2017 के सेकंड पेपर के क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हाँ बताओ क्या आंसर है इसका, उसका 3 2 0 -2 2 0 -9/1 2 2 2 का अंडर रूट, और इसका मोड, तो ये वैल्यू आ जाती है भाई 3 यूनिट्स, ठीक है, लेस देन ए मिनट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हाँ, इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स विच द वेक्टर ओपी, ओ बीइंग द ओरिजिन, मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, बताओ भाई, सिंपल, बहुत सिंपल है, इसका क्या है बताओ। थ्री स्टेटमेंट 3 करेक्ट करेक्ट, हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस सॉरी सॉरी कोस स्क्वायर अल्फा प्लस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन सॉरी कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो इसको लिख देंगे 1 -साइन स्क्वायर अल्फा, 1 -साइन स्क्वायर बीटा, 1 -साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो किसके बराबर आ जाएगा भाई, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2, ये याद रख लो, ठीक है, कोस स्क्वायर वाला जो 1 होता है ये 2 होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई, नहीं। 1 1 1, क्या ठीक है क्या, नहीं। एक 1 उधर ले जाएंगे ना, ये 1 यहां से अगर 1 -कोस स्क्वायर गामा लिखेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर गामा, ये पहला सही है और तीसरा सही है, तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन किसके साथ इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स वाई प्लेन के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक्स वाई प्लेन के साथ इंटरसेक्शन होगा तो जेड की वैल्यू क्या होगी, 0 जीरो होगी, है ना, तो इससे दोनों इक्वेशंस, दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, x+3/8 इज इक्वल टू y-4/-10 इज इक्वल टू z+8/10,
इज इक्वल टू हम मान लेते हैं भाई लैम्डा, ठीक है। तो अब इसमें जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड इज इक्वल टू आ जाएगा 12 लैम्डा प्लस 8, और ये जेड होगा 0 क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन को कट करेगा, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 2/3 आ गई, गड़बड़ किया क्या। -8 आएगा ना, ये तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएंगे भाई, इसमें रख दो एक्स की वैल्यू है 8 लैम्डा माइनस 3, वाई की वैल्यू है -10 लैम्डा प्लस 4, और जेड तो 0 ही है, तो ये वैल्यू लैम्डा की इसमें रखेंगे, तो पॉइंट कौन से आ जाएंगे भाई, 7/3, -8/3 और 0। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इफ द एंगल बिटवीन द लाइंस हूज डायरेक्शन रेशोज, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इज π/4 देन द स्मॉलर वैल्यू ऑफ एक्स, दोनों का कोस थीटा क्या होगा भाई, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, है ना। इससे कोस, तो कोस π/4 की वैल्यू 2x-3 और +10 निकाल लोगे, कैलकुलेट। देखो ये दे रखा है इसने डायरेक्शन रेशियोस, ठीक है, और मैंने क्या लिखना है यहाँ पे, डायरेक्शन कोसाइंस। तो पहले डायरेक्शन कोसाइंस निकालने पड़ेंगे, तो इसके इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे भाई, एक्स या उससे कर लो ना, cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, ठीक है, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, इससे कर सकते हो, इससे कर लो। कोस थीटा की वैल्यू π/4 है, थीटा की वैल्यू π/4 है, तो कोस π/4 कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। वहां से आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, कितना आ जाएगा आंसर, 4 आ जाएगा, ठीक है। किया हुआ था क्वेश्चन ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेरिएबल प्लेन पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट ABC एंड कट्स द एक्सिस इन ABC रेस्पेक्टिवली द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्क्वायर OABC, ओ बीइंग द ओरिजिन, इसका क्या होगा भाई, लोकस बताना है। ठीक है, ओके। वेरिएबल प्लेन पासिस थ्रू द फिक्स पॉइंट ABC, ABC से वो प्लेन पास हो रहा है एंड कट्स द एक्सिस इन ABC, ABC में वो एक्सिस कट कर रहा है, तो मान लेते हैं कि ये प्लेन जो है इस तरह का है कुछ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, किया क्वेश्चन ये, ओके। तो इसका प्लेन हम ऐसा मान लेते हैं, ये तीनों एक्सिस को इस तरह से कट कर रहा है, ठीक है भाई। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम P0 0, इस पॉइंट को मान लेते हैं 0 Q 0, और इस पॉइंट को मान लेते हैं 0 0 R, समझ आई बात, और ये हो जाएगा तुम्हारा 0 0 0 ओरिजिन, क्लियर है। अब ABC से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, इंटरसेप्शन फॉर्म वाली जो प्लेन का इक्वेशन है वो क्या होता है, x/P y/Q +z/R = 1, इंटरसेप्शन फॉर्म होती है। हाँ अब ये प्लेन ABC से भी पास हो रहा है, हाँ सो इट पासिस थ्रू ABC, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो जाएगा A/P + B/Q C/R = 1,
ठीक है भाई, क्लियर। यस अब स्फेयर का इक्वेशन जो पी क्यू आर से पास हो रहा है, जो ए बी सी ओ से पास हो रहा है, ए बी सी ओ से पास हो रहा है, ऐसे स्फेयर का इक्वेशन अभी पढ़ा था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई माइनस आर जेड इज इक्वल टू जीरो। तो उसका सेंटर क्या हो जाएगा भाई, इस स्फीयर का सेंटर क्या हो जाएगा, पी बाई टू क्यू बाई टू एंड आर बाई टू। समझ आई बात यहाँ तक। नाइस अब हम क्या मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड। लेट सेंटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू एक्स वाई और जेड है, तो एक्स किसके बराबर हो गया, पी बाई टू, वाई किसके बराबर हो गया, क्यू बाई टू, और जेड किसके बराबर हो गया, आर बाई टू के बराबर हो गया। ठीक है भाई, तो यहां से पी की वैल्यू क्या हो गई, पी हो गया टू एक्स, क्यू हो गया टू वाई और आर हो गया टू जेड। ठीक है, अच्छा अब इसमें यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, हमें इक्वेशन एक्स वाई जेड में निकालनी है, तो पी क्यू आर की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा, ए अपॉन टू एक्स, बी अपॉन टू वाई, सी अपॉन टू जेड इज इक्वल टू वन। ठीक है भाई, टू को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा ए अपॉन एक्स, बी अपॉन वाई, सी अपॉन जेड इज इक्वल टू टू। कौन सा इक्वेशन है भाई, सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, सिंपल था ना। ओके, 24, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, ये भी सिंपल है, इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जाएगा, मतलब आर वन प्लस लेमडा आर टू इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन प्लेन। ठीक है, और वो प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन का डायरेक्शन, इस प्लेन का नॉर्मल निकाल लेंगे, इस प्लेन का नॉर्मल और इस प्लेन का नॉर्मल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। नहीं आई समझ में बात, आगे दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों के जो कोफिशियंट होंगे ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू को रख देंगे हम जीरो में, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन, लैम्डा की वैल्यू माइनस वन आएगी, इसमें रख देंगे लैम्डा की वैल्यू, तो प्लेन का इक्वेशन बनेगा एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर कौन सा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ए स्ट्रेट लाइन विद डायरेक्शन कोसाइंस, इतना दे रखा है भाई बताओ जल्दी से, ये अलग झपकते का आंसर है इसका, किसके पैरेलल होगा, वाई एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। 26 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, ये भी बताओ, ये भी पलक झपकते ही वाला क्वेश्चन है, फोर डिस्टिंक्ट पॉइंट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फोर पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट है जो इससे भी इतनी डिस्टेंस है, इससे भी इतनी डिस्टेंस है, इससे भी इतनी डिस्टेंस है और इससे भी इतनी डिस्टेंस है, ये पॉइंट हम मान लेते हैं क्या, हम एक्स वाई जेड मान लेते हैं इसको। ठीक है भाई, ये पॉइंट है हमारा जीरो जीरो जीरो, ये पॉइंट है हमारा ए जीरो जीरो, ये पॉइंट है हमारा जीरो बी जीरो और ये पॉइंट है हमारा जीरो जीरो सी, तो इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं क्या होंगे, तो पहले ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे, सबको क्या रख देंगे, बराबर रख देंगे। ठीक है, बराबर रखने से एक्स वाई जेड की वैल्यू हो जाएगी, लेकिन ये ध्यान भी रख लो यार, ये ए बाई टू बी बाई टू और सी बाई टू, अगर ये सिचुएशन दे रखी है तो ऐसा ही होगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, याद कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 27, द पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस आर
वर्टिसेस ऑफ रोम्बस, इसमें भाई क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले चारों की लेंथ निकालनी पड़ेगी, ठीक है, लेंथ निकालनी पड़ेगी, लेकिन उतना ही काफी नहीं है, उसमें कोप्लानर कोलिनियर ये भी देखना पड़ेगा। तो जब लेंथ निकालेंगे तो चारों की लेंथ आएगी क्या, 14 हाँ, तो एक लेंथ आ जाएगी तुम्हारी, पी क्यू आ जाएगा अंडर रूट 14, और आर एस क्यू आर आ जाएगा अंडर रूट 14, आर एस आ जाएगा तुम्हारा 126 का अंडर रूट, और पी एस आ जाएगा तुम्हारा 14 का अंडर रूट। तो इसका मतलब क्या है, ये रोम्बस के है क्या, वर्टिस ऑफ रोम्बस विच इज नॉट स्क्वायर, तो पहला ऑप्शन तो यहाँ से खारिज हो जाता है, ठीक है। अब इसमें बात आती है नॉन कोप्लानर कोलिनियर कोप्लानर, अब वो कैसे देखते हैं भाई, कोलिनियर कैसे देखते हैं, तीनों का डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट किसका निकालेंगे, पी क्यू क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट सॉरी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे पी क्यू पी आर और पी एस का, ठीक है। यस तो पी क्यू पी आर और पी एस कब कोप्लानर होंगे, जब इनका जो प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट वो जीरो आता है ना, यस तो डॉट प्रोडक्ट निकाला जब हमने, तो कैसे निकालेंगे, पी क्यू का जो डायरेक्शन, इन तीनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट अगर निकालते हैं, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, ये वैल्यू जीरो के बराबर आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पी क्यू पी आर और आर एस पी एस ये तीनों क्या हो जाएंगे, कोप्लानर हो जाएंगे, दैट मीन्स पी आर पी क्यू एंड पी एस कोप्लानर, ठीक है, कोप्लानर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि पी क्यू आर एंड एस आर कोप्लानर, तो ये जो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी कोप्लानर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा, क्वेश्चन नंबर 27 था ना, 27 का डी, डी सॉरी डी, कोप्लानर बट नॉट कोलिनियर, कोप्लानर बट नॉट कोलिनियर, ठीक है। पी क्यू आर एस तीनों एक लाइन में नहीं होंगे, जबकि आर वन ये आपका जो है पी आर पी क्यू एंड पी एस आर कोप्लानर, कोप्लानर होंगे भाई ये चारों पॉइंट एक ही प्लेन में लाई करें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये अपना पूछा गया 2017 के एनडीए पेपर में, फर्स्ट पेपर में, ठीक है। द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन निकाल लो, है ना, क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वन अपॉन थ्री माइनस वन इज इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन माइनस थ्री इज इक्वल टू जेड प्लस वन अपॉन थ्री, ठीक है, इज इक्वल टू आर। अब ये कंडीशन है, वाई जेड प्लेन का मतलब क्या है कि एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा, हाँ तो एक्स इज इक्वल टू जीरो रख दो तो आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो जीरो माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू आर, और आर हो जाएगा माइनस वन बाई टू, तो वाई और जेड निकाल लेंगे, वाई और जेड निकाल लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी ऑप्शन, ठीक है भाई, 7/2 और माइनस 5/2, 1929। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर द लाइंस परपेंडिकुलर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हाँ है ना, हाँ परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या है कि उनके डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियो उसका मल्टीप्लिकेशन अगर कर दे करस्पॉन्डिंग, तो वो हो जाता है जीरो जीरो जीरो, ठीक है। तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो दोनों का अगर डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियो उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो उसको रख देंगे हम जीरो, और ऑप्शन
क्या है सही आंसर? सी। सी, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 से 31, इसी क्वेश्चन में छुपे हुए हैं। द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन, इस प्लेन में उसकी इमेज निकालनी है। कैसे निकालते हैं वो इमेज? इमेज में पहले तो मतलब इक्वेशन ऑफ पीएम निकाल देंगे, उसके बाद एम के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे। फिर हाँ, एम एम मान लेते इमेज इसका, है ना? ओके, हाँ तो ये क्या है? एक प्लेन है दे रखा है तुम्हें, एक प्लेन गिवन है कोई भी, ठीक है। इस प्लेन में ये है तुम्हारा एम, ओके। परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी टू बी द लेंथ ऑफ द पॉइंट, लेट क्यू बी द इमेज ऑफ द पॉइंट। क्यू इसकी इमेज है भाई, ठीक है, पी की, ओके, इन द प्लेन। और ये पॉइंट है प्लेन के अंदर, ओके, ठीक है भाई। तो पीएम का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x+2/3 x+2/3 परपेंडिकुलर होगा ना, ये इज इक्वल टू y-1/-2 = z+5/2 इज इक्वल टू लैम्बडा मान लेते हैं, क्लियर है? हाँ ये हो जाएगा तुम्हारा p और ये हो जाएगा तुम्हारा m, समझ के बात? ओके, तो ये हो जाएगा pm का इक्वेशन, ठीक है भाई। अगर m एम कोऑर्डिनेट है, ये अगर एम कोऑर्डिनेट है तो एम के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? यहाँ से x = 3λ-2, y = -2λ+1, z = 2λ-5, तो ये एम के कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है भाई। अब जब ये हाँ कोऑर्डिनेट है तो प्लेन पे लाई करते हैं, है ना? तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, इस प्लेन की इक्वेशन को जब इसमें रखेंगे तो वहां से लैम्डा निकल जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 1। तो जब लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तो एक्स वाई जेड की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक अरे है। तो एम के कोऑर्डिनेट जो आ गए, अगर वैल्यू रखेंगे लैम्डा की, तो वो आ जाएंगे 1-1-3, ठीक है। हाँ ये दे रखा है -2, 1-5, ओके। क्या कह रहा है ये? अब ये कह रहा है क्यू इज द इमेज ऑफ पॉइंट पी, क्यू जो है पॉइंट पी का इमेज है, ठीक है भाई। हाँ तो इमेज कहीं यहाँ पे होगा, है ना? इमेज इधर ही होगा ना कहीं, हाँ। हाँ तो अब अगर उस क्यू के कोऑर्डिनेट हम क्या मान लें, x1 y1 और z1 मान लें, तो क्या होगा? ये लाइन तो थ्रू एंड थ्रू होती है ना, हाँ ठीक है, यस ओके। तो अब ये पॉइंट जो है मिडिल पॉइंट होता है, किसका मिडिल पॉइंट होता है? इसका, पी और क्यू का। तो यहां से जो x1 -2 y2 किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा, है ना? और y1+1/2 = -1 के बराबर, और z1 -5/2 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से x1 y1 z1 आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए तुम्हारे, अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएंगे 4-3 और -1, समझ गए बात? तो पी क्यू का लेंथ निकाल दो, पी क्यू का लेंथ आ जाएगा जब कैलकुलेट करेंगे तो 68 का अंडर रूट। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आर कितना है भाई? 4-3-1। पहला स्टेटमेंट सही है, पी क्यू इज ऑफ लेंथ मोर देन 8 यूनिट्स। मोर देन 8 है क्या ये? मोर देन 8 है तो ऑप्शन 2 भी हमारा सही है। द पॉइंट वन माइनस वन माइनस थ्री इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड लाइज ऑन द गिवन प्लेन।
अच्छा ये पॉइंट प्लेन पे लाई कर रहा है और मिड पॉइंट भी है पी क्यू का, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो भाई कौन सा आ गया, सी आ गया, यस, सॉरी डी डी नहीं, बी डी, वन डी टू थ्री। डी हाँ 1 2 3 ऑल द अबव, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, 31 भी इसी में है। डायरेक्शन रेशोज ऑफ द सेगमेंट पी क्यू, पी क्यू का डायरेक्शन रेशो क्या होगा? पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा भाई 4 माइनस 2, 6 आ जाएगा एक, तो एक आ जाएगा -4 और एक आ जाएगा 4, यानी कि 2 से डिवाइड कर दो तो 3 माइनस 2, 2 आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो। ठीक है भाई, चेक कर लो क्या है, 3 माइनस 2, 2 है ना, 3 माइनस 2, 2, तो स्टेटमेंट सही है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू इज यूनिटी, इनका सम डायरेक्शन रेशियोज है तो इनके जो डायरेक्शन कोसाइंस का सम है, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, 3 अपॉन 3 स्क्वायर टू अंडर स्क्वायर टू स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, प्लस -2 अपॉन 3 स्क्वायर टू स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, +2 अपॉन 3 स्क्वायर टू स्क्वायर, सही है भाई, बस ऐसे निकलेगा ना। लेकिन वही मैंने फोर, मैंने वो लिया, फोर लिया क्या कह रहे जो, हो, मतलब मैंने वो फोर लेके निकाला था जो इसका आया था ना डायरेक्शन रेशियो हाँ तो ये कह रहा है सिक्स पॉइंट। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, तो इनका स्क्वायर कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 9 अपॉन 9 और 4 13 और 4 17 है ना, 9 अपॉन 6 17 स्क्वायर कर दिया इसका, 4 अपॉन 17 4 अपॉन 17 कितना हो गया भाई, 17 अपॉन 17, तो ये आ गया 1, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन सही है फिर, बोथ सी 1 एंड 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है या हार्ड है, सिंपल। इजी है ना, तो बहुत स्कोरिंग टॉपिक है ये, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अच्छे से इसको करना है, ठीक है। चलो 32 क्वेश्चन, एल पासिस थ्रू ए लाइन, एल पासिस थ्रू द पॉइंट एंड इज पैरेलल टू द प्लेन, इसके पैरेलल है, ठीक है, इसके इससे पास हो रही है, तो इससे पास होने वाली इक्वेशन क्या होगी, x-5 अपॉन l इज इक्वल टू y+5 अपॉन m इज इक्वल टू z-7 अपॉन n, और इसके पैरेलल है वो, तो पैरेलल है तो इसके जो डायरेक्शन, इसके जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज होंगे वो क्या होंगे, 1 1 1 होंगे। तो ये प्लेन अगर इसके पैरेलल है तो उसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, तो एल प्लस एम प्लस एन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। पैरेलल टू द प्लेन दिस एंड दिस, इन दोनों के पैरेलल है, ठीक है, ओके। 32 है ना ये, तो सबसे पहले तो देखो वेक्टर फॉर्म में लिख लो, या सिंपल सा तरीका एक बताता हूँ तुम्हें, इन दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिख लो, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आर डॉट आई प्लस जे प्लस के, ऐसा लिख सकता हूँ, इसे इज इक्वल टू 1, इस वाले को और इस वाले को, प्लस इस वाले को लिख सकते हैं आर डॉट 2i-j माइनस -2k इज इक्वल टू 3, सही है बात। यस अब वो लाइन इन दोनों वेक्टर के पैरेलल है, यही कहा ना, सॉरी प्लस नहीं, गिवन प्लेन हाँ वेक्टर के परपेंडिकुलर है। हाँ तो इसके जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल के हो जाएगी वो परपेंडिकुलर, है ना। तो अब इन दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन, परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर, कभी भी अगर ए वेक्टर है और उसका दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो ए क्रॉस बी करते हैं, ठीक है, तो इसका ए क्रॉस बी निकाल लो भाई, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, आई जे के और 1 1 1 2 -1
और माइनस टू, ठीक है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर वेक्टर। तो अच्छा परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा तुम्हारा माइनस आई प्लस 4j माइनस 3k, दिस इज परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है, ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट पी। वो लाइन के परपेंडिकुलर है जो पी से पास हो रहा है, क्लियर है भाई? यस ओके okay. अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन, इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस वन फोर माइनस थ्री, ठीक है, ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर का डायरेक्शन रेशियो हो गया, क्लियर है? हाँ वही पूछा है इसने, व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन्स, ठीक है, तो माइनस वन फोर माइनस थ्री, कौन सा ऑप्शन है भाई? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन एल, एल का इक्वेशन बताना। तो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे हमारे पास माइनस वन फोर माइनस थ्री, तो माइनस वन पहले डायरेक्शन रेशियोज से चेक कर लो, माइनस वन फोर माइनस थ्री, माइनस वन फोर माइनस थ्री, माइनस वन फोर, ये तो देखो सी ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा, तो ऑप्शन ए ठीक है या बी ठीक है, क्लियर है? यस हाँ, वो पॉइंट दे रखा है उसने, पॉइंट क्या दे रखा है, फाइव सिक्स, फाइव माइनस सिक्स और सेवन, तो इन दोनों में से कौन सा इक्वेशन है जो फाइव माइनस सिक्स सेवन से पास हो रहा है, ये वाला पहले वाला, तो पहले ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है 2016 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसे अभी किया हमने वैसे ही करना है इसको। ए प्लेन पी पासिस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है वो प्लेन, ठीक है, एंड द पॉइंट इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन कैसे निकालते हैं? देखो अगर, देखो पहले हाँ डायरेक्शन हाँ रेशियो लेते हैं। अगर इंटरसेक्शन जो प्लेन है अगर उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो एबीसी हो जाएंगे, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज और उसके डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आना चाहिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा टू। अगर उसके इंटरसेक्शन के डायरेक्शन रेशियो अगर एबीसी है तो इनमें अगर मल्टीप्लाई करे उसके डायरेक्शन रेशियो तो ये जीरो आएगा, और तो ये आएगा ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, ये बनेगा इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर टू, यहां से एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है, ठीक है, इक्वेशन ये जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ए अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन माइनस फाइव इज इक्वल टू सी अपॉन थ्री, ठीक है भाई, तो डायरेक्शन रेशियो के आगे माइनस से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बी अपॉन माइनस फाइव इज इक्वल टू सी अपॉन माइनस थ्री, ठीक है भाई, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए, टू माइनस फाइव और माइनस थ्री, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अच्छा इंटरसेक्शन के डायरेक्शन रेशियो ही फाइंड करना है। अब वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पी, पी का इक्वेशन बताओ, तो दो प्लेन का इंटरसेक्शन प्लेन का अगर इक्वेशन निकालना है तो वो क्या होता है, आर वन प्लस लेमडा आर टू इज इक्वल टू जीरो, और क्योंकि ये पास हो रहा है किससे, पासिस थ्रू वन जीरो वन, तो इसमें रखेंगे तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, तो लेमडा की वैल्यू आ गई तुम्हारी थ्री, तो लेमडा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, प्लेन का इक्वेशन बन जाएगा, तो प्लेन का इक्वेशन आएगा फाइव एक्स प्लस टू वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, कौन सा ऑप्शन है भाई, फाइव एक्स प्लस टू वाई माइनस फाइव, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन है, इफ द प्लेन पी टचेज द स्फेयर, देखो कोई प्लेन पी है जो इस स्फेयर को टच करता है, देन व्हाट इज आर इक्वल टू, रेडियस कैसे निकालते हैं भाई,
देखो ये प्लेन है, कोई इसको टच कर रहा हाँ है तो स्क्वायर का रेडियस कैसे होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये इसमें सेंटर से, ठीक है भाई? तो यस हाँ इस स्फीयर जो दे रखा है इसके सेंटर क्या है? जीरो 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 0 0 0, ठीक है ना? तो यस अब इसका रेडियस, इस रेडियस ऑफ द स्फीयर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू द टेंजेंट प्लेन। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, कैसे निकालते हैं? 0 प्लस 0 प्लस 0 है ना? माइनस हाँ माइनस हाँ। माइनस जीरो पॉइंट जीरो माइनस फाइव बाई अंडर रूट फाइव स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर हाँ, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 स्क्वायर प्लस √5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का √। ठीक है, तो ये ऑप्शन, ये आंसर आ जाएगा 5/29 का √। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें 3D में स्कोरिंग टॉपिक है ये जो अब डिस्कस करेंगे। 2015 के सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पेपर में पूछे गए हैं। द लाइंस, ये लाइन है और ये लाइन है, अब बताना है कि भाई ये परपेंडिकुलर है क्या है, तो कैसे चेक करेंगे? बहुत ही सिंपल है, एक्स अपॉन 6 से डिवाइड कर दो, है ना? या तो ऐसे कर दो सिंपली, एक्स अपॉन 1/2, वाई अपॉन 1/3 इज इक्वल टू जेड अपॉन -1। ठीक है, ऐसे लिख दिया पहले इक्वेशन को, दूसरे को एक्स अपॉन 1/6, और इसको लिखेंगे वाई अपॉन -1 इज इक्वल टू जेड अपॉन -1/4। तो अगर देखो पैरेलल होंगे तो सेम रेशियो होगा, सेम रेशियो तो है नहीं भाई इसका, तो पैरेलल तो है नहीं है ना? कोस थीटा यस निकाल लो, कोस थीटा निकाल लेंगे ना, यस कोस थीटा क्या हो जाएगा? दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो हो जाएगा 0। तो जीरो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 5/2 परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ द स्फीयर निकालना है भाई। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया है, 38 रेडियस ऑफ द स्फीयर, सिंपल फॉर्मूला है, क्या है? कंपेयर करेंगे इसका यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी का अंडर रूट। कंपेयर करना, यू वी डब्ल्यू डी निकल जाएंगे तो रेडियस आ जाएगी तुम्हारी 3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशो, दोनों दोनों के परपेंडिकुलर लाइन कोई है उसका डायरेक्शन रेशो निकालना है। कैसे निकालोगे? परपेंडिकुलर होगा जो लाइन, अगर उसके डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी हैं तो इनमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। ए जीरो माइनस 2 बी माइनस 2 सी इज इक्वल टू 0, और इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -2b + c इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे 2 -1 2। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत सिंपल, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द प्लेन? इस पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बताना है भाई। जेड इज इक्वल टू 0 प्लेन मतलब क्या है? एक्स वाई प्लेन, ठीक अच्छा है, एक्स वाई प्लेन में हो जाए। एक्स वाई प्लेन पे व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 354? 354 से हमने कोई परपेंडिकुलर डाला है, इसके फुट बताने हैं यहाँ ये पॉइंट, ठीक है? और ये प्लेन है, जेड इज इक्वल टू 0, और ये पॉइंट है तुम्हारा 354। कैसे निकालेंगे भाई? देखो ये जो लाइन होगी एक्स ना, ये जो लाइन होगी ये किसके, इसके जो इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा और ये जो लाइन होगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, है ना? माइनस तो पैरेलल होंगे तो उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, मैक्स माइनस 3/0, वाई माइनस 5/0, और जेड -4/1। ठीक है, लिख सकते हैं इसको।
तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी यहां से, कितना वैल्यू आएगा इसका? एक्स का 3, वाई का 5 और जेड का 0 जेड का 0, ठीक है इज भाई, इक्वल टू -1। -4/1 हो जाएगा ना ये, क्योंकि हाँ इसका देखो, इसका जेड तो हमें 0 पता है, ये तीसरा पॉइंट तो इसका 0 पता है, ठीक है, तो जेड -4/1 तो 0 होना है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे कितने आ जाएंगे, 3, 5 और 0, समझ गए बात? तो अच्छा ये जो कोऑर्डिनेट आ गए वो आ गए 3, 5 और 0, 3, 5 और 0, ठीक है। हाँ, यस और देखो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जेड इज इक्वल टू 0 प्लेन में कौन सा पॉइंट लाई करेगा, ओनली ये वाला पॉइंट है ना, ना तो ये लाई करेगा, ना ये लाई करेगा, ना ये लाई करेगा, ओनली ये पॉइंट लाई करेगा, समझ गए? तो हाँ हम इसको बिना किसी सोल्व किए भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 41 क्या है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस मेड बाय द प्लेन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता, ठीक है भाई। हाँ यस एक्स अपॉन 5/13, सॉरी उल्टा कर दिया क्या, नहीं उल्टा 13 13/5 y/13/2 z/13 = 1, इंटरसेप्ट ये आ गए एक्स वाई जेड, 13/5, 13/5, 13/2 एंड 13, ऑप्शन कौन सा है भाई, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, द प्रोजेक्शंस ऑफ ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 12, 4, 3 रिस्पेक्टिव, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट कैसे निकालते हैं भाई, अगर प्रोजेक्शन दिया हो। अंडर रूट एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हाँ अंडर रूट हाँ x² + y² + z² का अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट हो जाएगा अगर प्रोजेक्शन दिया है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये अगर सोल्व करेंगे 13 यूनिट्स आ जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, देखो ये तो लेंथ है, लेंथ से डिवाइड कर देते हैं उसको, है ना, तो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे 12/13, 4/13, प्लस माइनस और आ जाएगा इसमें, है ना, और 3/13, ये तरीका होता है डायरेक्शन कोसाइंस लिखने का, तो जो ऑप्शन में सही है उसको लिख दो, ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई हमारा, ए ऑप्शन, उसमें ही प्लस माइनस है, तो ये वैसे भी बाकी ऑप्शन रिजेक्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, फ्रॉम द पॉइंट टू परपेंडिकुलर ड्रॉन द लाइन गिवन बाय द इक्वेशन लेट क्यू बी द, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी अभी किया हमने, आसानी से बस किया जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन आंसर बताओ क्या है इसका, बी, बी वेरी गुड, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, व्हाट इज द लेंथ ऑफ, देखो ये भी सिंपल है, जब हमने पी और क्यू हमारे पास है, लाइन सेगमेंट का लेंथ निकाल सकते हैं, सी ओ सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट आर द इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन एबीसी ऑन द एक्सिस, एक हमारे पास है ट्रायंगुलर प्लेन एबीसी, एबीसी ट्रायंगुलर प्लेन है, ठीक है भाई, विद सेंट्रोइड 1, 2, 3, ये सेंट्रोइड है इसका 1, 2, 3, ठीक है, ये ए बी सी कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट एबीसी रेस्पेक्टिवली, एबीसी पे कट किया है, तो क्या होगा भाई, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 होगा, हाँ है ना, और इसके जो सेंट्रोइड है वो कितने दे रखे, 1, 2, 3 दे रखे हैं, यस तो इंटरसेप्ट कितने हो जाएंगे, 0 + 0 + 1/3 इज इक्वल टू, ये लिखेंगे ना, यस तो इंटरसेप्ट को कब, जब सेंट्रोइड दिए होते हैं तो इंटरसेप्ट को ट्रिपल कर देने का, बस सिंपल, तो ए की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 3 आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 6, सी की वैल्यू आ जाएगी 9, तो इस प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा x/3 y/6 z/9 = सिंपल, तो इंटरसेप्ट आ गया 3, 6, 9, तो कभी भी सेंट्रोइड दिया है तो उसके इंटरसेप्ट जो होंगे वो
थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, यहीं पे थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। व्हाट इज द बस इक्वेशन ऑफ द प्लेन एबीसी, एबीसी का इक्वेशन क्या हो, क्या होगा, अभी अभी निकाल दिया हमने, हाँ ये होगा प्लेन एबीसी का इक्वेशन, ठीक है। ये 47th क्वेश्चन है, तो एबीसी का इक्वेशन क्या आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे हम तो डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, पॉइंट पी इज वन वर्टेक्स ऑफ ए क्यूबॉइड फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द प्लेन्स पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड का एक पी दे रखा है उसने, एक वर्टेक्स दिया रखा है, ठीक है, पी कर लिया है क्वेश्चन। इसका तो नहीं, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हाँ तो डायगोनल तो इजीली आ जाएगा, है ना, ये फेस वाला, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, अंडर रूट, तो ये हो जाएगा आपका 14 अंडर रूट यूनिट, ठीक है। 49th क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल क्या होगा भाई बताओ, इसमें क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन कौन सा होगा, मतलब यही होगा, जल्दी ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू उसमें जीरो हो जाती है, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन में एक्स और वाई की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो ओनली जेड बचेगा, तो कुछ नहीं करना इसमें सॉल्व वोल्व, सिंपल यही से आंसर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली कंसीडर, स्फेयर, स्फेयर है भाई आपके पास ओरिजिन से, स्फेयर पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द पॉइंट, ये चार पॉइंट से पास हो रहा है वो, ठीक है, ओरिजिन भी दे रखा है इसमें, इन चारों पॉइंट से पास हो रहा है, तो पूछ रहा है रेडियस क्या होगा उसका, तो रेडियस कैसे निकालेंगे भाई, देखो चार पॉइंट से पास होगा तो हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz इज इक्वल टू जीरो, इसमें एक्स वाई जेड जीरो रखेंगे, फिर ये रखेंगे, ये रखेंगे, ये रखेंगे, यू वी डब्ल्यू की वैल्यू निकल जाएगी, है ना, वैल्यू निकालेंगे, यू 1 आ जाएगा, वी माइनस 2 आ जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो स्फेयर का इक्वेशन भी आ जाएगा, वहां से रेडियस निकाल लेंगे, हमें स्फेयर का इक्वेशन तो चाहिए नहीं, रेडियस निकाल लेंगे, यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी का अंडर रूट, तो ये जो रेडियस आ गई वो आ गई 14 अंडर रूट। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सेंटर ऑफ द स्क्वायर निकाल लें, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 52 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितने हैं इसमें, 67 क्वेश्चन, ठीक है। 52 क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्फीयर पासिस थ्रू द पॉइंट, एक स्फीयर है जो 040 से पास होता है, और द पॉइंट 111 इज एट द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, किया क्वेश्चन ये, हाँ ओके, ये इसी का क्वेश्चन है ना, उसका ऊपर वाले नहीं है। इसी, हाँ इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट, इसी का पार्ट है, ठीक है। तो स्फेयर का इक्वेशन जो निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा स्फेयर का इक्वेशन आया, ठीक है। अब ये 040 से पास हो रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना, तो जब 040 से पास हो रहा है तो सेटिस्फाई करेगा, ये स्टेटमेंट है, तो जब इसमें 040 रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ये करेगा मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन, ठीक है भाई। सेंटर क्या आए थे इसके, सेंटर इसके आए थे सेंटर माइनस वन 2 और -3 माइनस 3, ये सेंटर आए थे इसके, ठीक है। तो द पॉइंट 111 इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इससे इसका डिस्टेंस निकाल लो, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 5 यूनिट नहीं आएगा, डिस्टेंस आएगा 21 अंडर रूट, दैट इज नॉट इक्वल टू 5, तो स्टेटमेंट 2 इज द रॉन्ग वन, ठीक है।
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ओनली वन ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 53 एंड 54। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द गिवन क्वेश्चंस गिवन बिलो द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स कट्स द प्लेन। देखो भाई, इस इन दोनों से पास होने वाला लाइन का इक्वेशन क्या होगा? एक्स माइनस टू अपॉन 4 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस वन देखो अपॉन -2 -1 यानी कि -3, और z -3 अपॉन 5 -3 यानी कि 2 इज इक्वल टू, हमने मान लिया भाई लैम्डा। ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर इस पर देखेंगे तो वो हो जाएंगे 2 लैम्डा प्लस 2, y की वैल्यू -3 लैम्डा प्लस 1, z की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 3। अगर ये पॉइंट, अगर ये दोनों लाइन, अगर ये लाइन और ये प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो ये पॉइंट उस पे होना चाहिए, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू -1 आ गई। ठीक है भाई, तो लैम्डा इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो क्या करेंगे अब हम, लैम्डा की वैल्यू इसमें रख दो, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा वो आएगा 0, 4 और 1। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना, टाइम भी कम लगेगा इनमें। व्हाट इज द रेशियो इन विच द प्लेन डिवाइड्स द लाइन? प्लेन भाई लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? तो अगर ये हमारे पास प्लेन ले रखा है हमने, ठीक है, ये लाइन हमने डाल दी एक, ठीक है, अब ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? मान लेते हैं k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। ये पॉइंट क्या है हमारा? 2, 1, 3 है। ये पॉइंट क्या है हमारे पास? 4 -2, 5। क्लियर है? हाँ ओके। अब एक्स की वैल्यू 0 है यहाँ पे। ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, ये कौन सा आया हमारा? 0, 4 बना है। तो हाँ ये रेशियो हम निकाल सकते हैं आराम से, है ना? तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई? 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 4k+2 अपॉन k+1। यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ गई तुम्हारे यहाँ से -1/2, मतलब एक्सटर्नली डिवाइड होता है। ठीक है, माइनस का मतलब एक्सटर्नली 1:2 के रेशियो में, तो 1:2 है भाई, 1:2 तो है ही नहीं इसमें, इसका मतलब नन ऑफ दीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 55। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, कंसीडर द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तीनों पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन बहुत सिंपल है। x-x1 y-y1 z-z1, कल भी बताया था ना मैंने। हाँ, हाँ सही है, तो वही मैथ डिटरमिनेंट वाला तो इनका डिटरमिनेंट रख दो तो वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर। सही है भाई, y3 - y1 z3 - z1, इसका डिटरमिनेंट 0 रख दो, तो इस तरह से आ जाएगा तुम्हारा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा भाई? वन वन जीरो जीरो का फर्स्ट वन जीरो जीरो तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यस। 56 क्वेश्चन, 56 कौन है? 56। व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन? प्लेन का इक्वेशन आ गया हमारे पास, है ना? प्लेन का इक्वेशन क्या आ गया था? x-z = 1 आ गया था। डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे नॉर्मल के? 1, 0, -1। ठीक है भाई, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना, बस इसका आंसर चेक कर लेते हैं, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कोई खास नहीं है। 57 का आंसर क्या है? ए, हाँ ए भाई, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके नेक्स्ट 58। डी 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 सही है उसका, 58 का। 59 सी सी बिल्कुल सही है। ओके 60 सिक्सटी का सी सी बिल्कुल सही, सी बिल्कुल सही। 61 सी सी बिल्कुल सही। 62 टू का ए ए ए ए बिल्कुल सही है। 63
स्टेट बी बिल्कुल सही है, 64। ऑफ बी सी सी बिल्कुल सही है, 65। 65 65 नहीं किया। नहीं 65 65 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वेक्टर आर है जो 60 डिग्री एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है, तो इस वेक्टर का जो एल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? एल हो जाएगा cos 60, एम हो जाएगा cos 30। cos 60 कितना होता है? 1/2। cos 30 होता है √3/2। एल और एम की वैल्यू आ गई। अब बस ये पूछ रहा है कि कितना एंगल वो जेड एक्सिस के साथ बनाता है, ये बताओ। जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? L² + (m²) + (n²) = 1, तो ये हो जाएगा 1/4 + 3/4 है ना, +(n²) = 1, तो ये 4/4 + (n²) = 1 है ना भाई, तो (n²) = 0। तो इसका मतलब क्या है? 0 किस पे होता है? तो थीटा 90 कोस कोस गामा 0, तो गामा कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर, आर के डायरेक्शन कोसाइंस बताओ। अभी अभी निकाले हमने, L-M-N-O-D 1/2 √3/2 और 0। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। 67th क्वेश्चन, इफ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट देन व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा सी यार सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से कंप्लीट हो जाता है आपका 3D। देखो बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेस देन अ मिनट, और हार्डली अगर कोई क्वेश्चन ज्यादा फंसता है तो मुश्किल से वो 1.5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। और आपके 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं 3D के। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, इसको बढ़िया से करना है, इसको क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है इसका। ठीक है। यस yes.